ओलंपियाड के चेस ओलंपियाड के इस अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम में उपस्थित केंद्रीय मंत्रिमंडल के मेरे साथीगण, इंटरनेशनल चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट आर्करी डोरकोविच, ऑल इंडिया चेस फेडरेशन के प्रेसिडेंट, विभिन्न देशों के एम्बेसडर्स, हाई कमिश्नर्स, चेस और अन्य खेलों से जुड़ी संस्थाओं के प्रतिनिधिगण, राज्य सरकारों के प्रतिनिधिगण, अन्य सभी महानुभाव, चेस ओलंपियाड टीम के सदस्य और चेस के अन्य खिलाड़ीगण, देवी और सज्जनों, आज चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए पहली टॉर्च रिले भारत से शुरू हो रही है। इस साल पहली बार भारत चेस ओलंपियाड गेम्स को होस्ट भी करने जा रहा है। हमें गर्व है कि एक स्पोर्ट्स अपने जन्म स्थान से निकलकर पूरी दुनिया में अपनी छाप छोड़ रहा है, अनेक देशों के लिए एक पैशन बन गया है। हमें खुशी है कि चेस इतने बड़े इंटरनेशनल इवेंट के रूप में अपने जन्म स्थान में फिर एक बार आकर के सेलिब्रेट किया जा रहा है। भारत सदियों पहले चतुरंग के रूप में इस स्पोर्ट की मसाल पूरी दुनिया में गई थी। आज शतरंज की पहली ओलंपियाड मशाल भी भारत से निकल रही है। आज जब भारत अपनी आजादी के 75 वर्ष मना रहा है, अमृत महोत्सव मना रहा है, तो ये चेस ओलंपियाड, ये मशाल भी देश के 75 शहरों में जाएगी। मुझे इंटरनेशनल चेस फेडरेशन फिडे उनके इस फैसले पर भी बहुत खुशी है। फिडे ने यह भी तय किया है कि प्रत्येक चेस ओलंपियाड गेम्स के लिए टॉर्च रिले भारत से ही शुरू करेगी। ये सम्मान न केवल भारत का सम्मान है, बल्कि शतरंजी की इस गौरवशाली विरासत का भी सम्मान है। मैं इसके लिए फिडे और इसके सभी सदस्यों का अभिनंदन करता हूं। मैं 44वें चेस ओलंपियाड में भाग ले रहे सभी खिलाड़ियों को उनके शानदार प्रदर्शन के लिए अनेक अनेक शुभकामनाएं भी देता हूं। आप में से जो भी इस खेल में जीतेगा, आपकी ये जीत स्पोर्ट्समैनशिप की जीत होगी। महाबलीपुरम में जमकर खेलिएगा, खेल के जज्बे को सर्वोपरि रखते हुए खेलिएगा। साथियों, हजारों सालों से दुनिया के लिए तमसो मां ज्योतिर्गमय इसका मंत्र गूंज रहा है, यानी हम अंधकार से प्रकाश की ओर निरंतर बढ़ते रहे। प्रकाश यानी मानवता का बेहतर भविष्य, प्रकाश यानी सुखी और स्वस्थ जीवन, प्रकाश यानी हर क्षेत्र में
सामर्थ्य बढ़ाने के लिए प्रयास, और इसलिए भारत ने एक और मैथ, साइंस और एस्ट्रोनॉमी जैसे क्षेत्रों में अनुसंधान किए, तो वहीं आयुर्वेद, योग और खेलों को जीवन का हिस्सा बनाया। भारत में कुश्ती और कबड्डी, मलखम ऐसे खेलों के आयोजन होते थे ताकि हम स्वस्थ शरीर के साथ सामर्थ्यवान युवा पीढ़ी को तैयार कर सके। वहीं एनालिटिकल और प्रॉब्लम सॉल्विंग ब्रेन्स के लिए हमारे पूर्वजों ने चतुरंग या शतरंज जैसे खेलों का आविष्कार किया। भारत से होते हुए शतरंज दुनिया के अनेक देशों तक पहुंचा और खूब लोकप्रिय हुआ। आज स्कूलों में चेस युवाओं के लिए, बच्चों के लिए एक एजुकेशन टूल के रूप में भी इस्तेमाल हो रहा है। शतरंज सीखने वाले युवा अलग अलग क्षेत्रों में प्रॉब्लम सॉल्वर बन रहे हैं। चतुरंग की मिसाल से लेकर कंप्यूटर पर खेले जा रहे डिजिटल चेस तक, भारत हर कदम पर शतरंज की इस लंबी यात्रा का साक्षी रहा है। भारत ने इस खेल को नीलकंठ वैद्यनाथ, लाला राजे बाबू और तिरुवेंगदाचार्य शास्त्री जैसे महान खिलाड़ी दिए हैं। आज भी हमारे सामने उपस्थित विश्वनाथ आनंद जी, कोनेरू हम्पी, विदित, दिव्या देशमुख जैसी अनेक प्रतिभाएं शतरंज में हमारे तिरंगे का सम्मान बढ़ा रही है। अभी मैंने कोनेरू हम्पी जी के साथ चेस में सेरिमोनियल मूव का भी दिलचस्प अनुभव लिया है। साथियों, मुझे देखकर अच्छा लगता है कि बीते 7-8 वर्षों में भारत ने शतरंज में अपना प्रदर्शन लगातार बेहतर किया है। 41वें चेस ओलंपियाड में भारत ने ब्रॉन्ज के रूप में अपना पहला मेडल जीता था। 2020 और 21 के वर्चुअल चेस ओलंपियाड में भारत ने गोल्ड और ब्रॉन्ज भी जीता है। इस बार तो अब तक की तुलना में हमारे सबसे ज्यादा खिलाड़ी चेस ओलंपियाड में शामिल हो रहे हैं। इसलिए मुझे आशा है कि इस बार भारत मेडल्स के नए रिकॉर्ड बनाएगा। जैसी मेरी आशा है, आप सबकी भी है ना? साथियों, मैं शतरंज का बहुत जानकार तो नहीं हूं, लेकिन इतनी समझ है कि शतरंज के पीछे छिपी भावना और इसके नियमों के मायने बहुत गहरे होते हैं। जैसे शतरंज के हर मोहरे की अपनी यूनिक ताकत होती है, उसकी यूनिक क्षमता होती है। अगर आपने एक मोहरे को लेकर सही चाल चल दी, उसकी ताकत का सही इस्तेमाल कर लिया, तो वो सबसे शक्तिशाली बन जाता है। यहां तक कि एक प्यादा, यानी जिसे सबसे कमजोर माना जाता है, वो भी सबसे ताकतवर मोहरा बन सकता है। जरूरत है तो सतर्कता के साथ सिर्फ सही चाल चलने की, सही कदम उठाने की। फिर वो प्यादा या सिपाही चेस बोर्ड पर हाथी, ऊंट या वजीर की ताकत भी हासिल कर लेता है। साथियों, चेस बोर्ड की यही खासियत हमें जीवन का बड़ा संदेश देती है। सही सपोर्ट और सही माहौल दिया जाए तो कमजोर से कमजोर के लिए भी कोई लक्ष्य असंभव नहीं होता।
कोई कैसी भी पृष्ठभूमि से हो, कितनी ही मुश्किलों से आया हो, पहला कदम उठाते समय अगर उसे सही मदद मिल जाए तो वो शक्तिशाली बनकर मन चाहे नतीजे ले सकता है। साथियों, शतरंज के खेल की एक और बड़ी खासियत होती है दूरदृष्टि। शतरंज हमें बताता है कि शॉर्ट टर्म सक्सेस के बजाय दूर की सोच रखने वालों को ही असली कामयाबी मिलती है। अगर मैं आज भारत की स्पोर्ट्स पॉलिसी की बात करूं तो खेल के क्षेत्र में टॉप्स यानी टारगेट ओलंपिक पोडियम स्कीम और खेलो इंडिया जैसी योजनाएं इसी सोच के साथ काम कर रही है और इसके नतीजे भी हम लगातार देख रहे हैं। नए भारत का युवा आज शतरंज के साथ हर खेल में कमाल कर रहा है। पिछले कुछ समय में ही हमने ओलंपिक्स, पैरालंपिक्स और डिफ ओलंपिक्स ऐसे बड़े ग्लोबल स्पोर्ट्स इवेंट्स को देखा। भारत के खिलाड़ियों ने इन सभी आयोजनों में शानदार प्रदर्शन किया, पुराने रिकॉर्ड तोड़े और नए रिकॉर्ड बनाए। टोक्यो ओलंपिक्स में हमने पहली बार 7 मेडल जीते, पैरालंपिक्स में पहली बार 19 मेडल जीते। हाल ही में भारत ने एक और सफलता हासिल की है, हमने 7 दशकों में पहली बार थॉमस कप जीता है। वर्ल्ड चैंपियनशिप में हमारी 3 महिला बॉक्सर्स ने गोल्ड और ब्रॉन्ज जीते हैं। ओलंपिक में गोल्ड जीतने वाले नीरज चोपड़ा ने कुछ दिन पहले ही एक और इंटरनेशनल मेडल जीता है, एक नया रिकॉर्ड नेशनल रिकॉर्ड बना दिया है। हम अंदाजा लगा सकते हैं कि आज भारत की तैयारियां की स्पीड क्या है, भारत के युवाओं का जोश क्या है। अब हम 2024 पेरिस ओलंपिक्स और 2028 के लॉस एंजलस ओलंपिक को टारगेट करके काम कर रहे हैं। टॉप स्कीम के तहत इस समय सैकड़ों खिलाड़ियों को सपोर्ट किया जा रहा है। जिस तरह भारत आज खेल की दुनिया में एक नई ताकत बनकर उभर रहा है, वैसे ही भारत के खिलाड़ी भी खेल जगत में एक नई पहचान बना रहे हैं। और इसमें सबसे खास ये है कि देश के छोटे शहरों के युवा खेल की दुनिया में अपना परचम लहराने के लिए आगे आ रहे हैं। साथियों, प्रतिभा जब सही अवसरों से जुड़ती है तो सफलता के शिखर खुद झुककर स्वागत करते हैं और हमारे देश में प्रतिभाओं की कमी नहीं है। देश के युवाओं में साहस, समर्पण और सामर्थ्य की कमी नहीं है। पहले हमारे इन युवाओं को सही प्लेटफॉर्म के लिए इंतजार करना पड़ता था। आज खेलो इंडिया अभियान के तहत देश इन प्रतिभाओं को खुद तलाश भी रहा है, तराश भी रहा है। आज देश के दूरदराज इलाकों से, गांवों कस्बों से, आदिवासी क्षेत्रों से हजारों युवाओं को खेलो इंडिया अभियान के तहत सिलेक्ट किया गया है। देश के अलग अलग राज्यों और जिलों में आधुनिक स्पोर्ट इंफ्रास्ट्रक्चर का निर्माण किया जा रहा है। देश की नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति में भी स्पोर्ट्स को दूसरे विषयों की तरह ही प्राथमिकता दी गई है। स्पोर्ट्स की दुनिया में
युवाओं के लिए खेलने के अलावा भी कई नए अवसर खुल रहे हैं। स्पोर्ट्स साइंस, स्पोर्ट्स फिजियो, स्पोर्ट्स रिसर्च, ऐसे कितने ही नए आयाम जुड़ रहे हैं। देश में कई स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटीज भी खोली जा रही हैं ताकि आपके कैरियर बनाने में मदद मिल सके। साथियों, आप सभी खिलाड़ी जब खेल के मैदान या कह लीजिए किसी टेबल या चेसबोर्ड के सामने होते हैं तो वो केवल अपनी जीत के लिए नहीं बल्कि अपने देश के लिए खेलते हैं। ऐसे में स्वाभाविक है कि करोड़ों लोगों की अपेक्षाओं आकांक्षाओं का दबाव भी आपके पर रहता है, लेकिन मैं चाहूंगा कि आप ये जरूर ध्यान रखें कि देश आपकी मेहनत और लगन को देखता है। आपको अपना 100% देना है, आप अपना 100% दीजिए, लेकिन 0% तनाव के साथ, टेंशन फ्री। जितना जीत खेल का हिस्सा है उतना ही फिर से जीतने के लिए मेहनत करना भी खेल का हिस्सा है। शतरंज के खेल में तो एक चूक से खेल पलटने की आशंका रहती है, लेकिन ये शतरंज ही है जहां हारी हुई बाजी को भी दिमाग के एक फैसले से आप पलट सकते हैं। इसलिए इस खेल में आप जितना शांत रहेंगे, जितना अपने मन को नियंत्रण में रखेंगे, उतना ही आप बेहतर परफॉर्म करेंगे। इस काम में योग और मेडिटेशन आपकी काफी मदद कर सकता है। अभी परसों यानी 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है। मैं चाहूंगा कि आप योग को अपने जीवन का नित्य हिस्सा बनाने के साथ ही योग दिवस का भी बढ़ चढ़कर प्रचार करें। इससे आप करोड़ों और लोगों को भी दिशा दिखा सकते हैं। मुझे पूरा भरोसा है आप सभी इसी निष्ठा के साथ खेल के मैदान में उतरेंगे और अपने देश का गौरव बढ़ाएंगे। आप सभी को एक बार फिर मुझे ये यादगार मौका देने के लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। फिर एक बार खेल जगत को अनेक अनेक शुभकामनाएं देता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद।